हेलो बच्चों, जय हिंद। प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, आज की क्लास हम रीजनिंग की लाए हैं और बच्चों आज हम बात करेंगे डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का। आज तक आपने जो भी इस चैप्टर के सवालों को लगाया होगा तो कहीं ना कहीं बच्चों आपने क्वेश्चंस को फिगर बना के लगाया होगा। कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर उत्तर की ओर गया तो आपने एक लाइन खींची होगी उत्तर की साइड में 10 किलोमीटर, बाएँ मुड़ा तो आपने बाएँ मुड़े होंगे। तो बच्चों आज की वीडियो में हम कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं जहाँ पर सारे क्वेश्चन तो सॉल्व होंगे लेकिन फिगर एक में भी नहीं बनना पड़ेगा। सारे क्वेश्चंस विदाउट फिगर। क्वेश्चन कैसा भी होगा बच्चों, डिग्री के ऊपर बेस्ड होगा, डायरेक्शन के ऊपर बेस्ड होगा, डिस्टेंस के ऊपर बेस्ड होगा, कैसा भी प्रश्न होगा बच्चों, सारे क्वेश्चंस आपके विदाउट फिगर बनेंगे। एक भी क्वेश्चन में पेन चलाने की आवश्यकता आपको नहीं है। पूरे कॉन्सेप्ट को ध्यान समझिए। यहाँ के बाद बच्चों अगर अपने एग्जाम में भी बैठोगे तो वहाँ भी आप बेहतर परफॉर्म करके आओगे, 101% डन है। लेकिन पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करिएगा। तो चलो बच्चों बिना देर किए चलते हैं आज के वीडियो पे। चैनल पे अगर आप नए हैं, न्यू पर्सन हैं, पहली बार विजिट किए हैं तो उत्तर प्रदेश पुलिस की वैकेंसी का बच्चों फोकस कर रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बहुत सारे कंटेंट्स आपको मिलेंगे आपके एग्ज़ाम के ओरिएंटेड। जो भी आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, जितने भी आपके डिफेंस के एग्ज़ाम्स होते हैं, या बच्चों अगर आप UPP की तैयारी कर रहे हैं खास तौर पे, या कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं बच्चों, आपके एग्ज़ाम के लिए ये बेहतर चैनल साबित होगा। क्योंकि यहाँ पर आपको पूरे कंप्लीट चैप्टर के वीडियोज़ मिलते हैं, कोई छोटे मोटे वीडियोज़ नहीं बच्चों, पूरे कंप्लीट चैप्टर का कंप्लीट वीडियो मिलता है। और आपके डिमांड पे उसका सेकंड पार्ट का भी वीडियो आपको हम प्रोवाइड कराते हैं। तो बच्चों आज हम बात करेंगे डिस्टेंस एंड डायरेक्शन टेस्ट की। पूरा नाम है चैप्टर का डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, हालांकि हमने सिर्फ डायरेक्शन लिख रखा है। तो बच्चों अगर इस चैप्टर की बात की जाए तो सबसे पहले हमें दिशाओं के बारे में पता होना चाहिए। प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने कहा सारे क्वेश्चंस को हम विदाउट फिगर कराएंगे, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है चैप्टर का, बेसिक कॉन्सेप्ट, वो आपको पता होना चाहिए। फिर हम उसी कॉन्सेप्ट से एक ऐसा कॉन्सेप्ट निकालेंगे जहां आप देख पाएंगे कि सारे क्वेश्चंस हमारे विदाउट फिगर होंगे, किसी भी क्वेश्चन में हमें पेन चलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये बात 100% डन है। अब बच्चों अगर दिशाओं की बात की जाए तो हम सभी को पहले से पता है बच्चों कि ये जो दिशा होती है इसे हम लोग नॉर्थ कहते हैं, यानी बच्चों हिंदी में हम लोग इसे उत्तर कहते हैं। अगर इसकी बात की जाए बच्चों तो इसे हम लोग साउथ कहते हैं, हिंदी में बच्चों इसे हम लोग दक्षिण कहते हैं। अगर बच्चों इस दिशा की बात करें जिसे हम लोग ईस्ट कहते हैं, जिसे हम लोग हिंदी में पूर्व कहते हैं, और बच्चों इस दिशा की बात करें जिसे हम लोग वेस्ट कहते हैं, और हिंदी में बच्चों हम लोग इसे पश्चिम कहते हैं। ये प्यारे बच्चों हमारी चार दिशाएं होती हैं। ये चार दिशाएं होती हैं उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। ये आप सभी को पहले से पता होगा, लेकिन बच्चों और फिर से जानिए, अगर आप किसी कारणवश मान लो यहाँ पर पहुँच गए, इस पॉइंट पे आप हैं, ये आपका ओरिजिन पॉइंट है, मूल बिंदु है जहाँ से आप चले। मान लो सबसे पहले आप ईस्ट में गए, फिर आप नॉर्थ में गए, तो आप यहाँ पर पहुँच गए। अगर अब आपसे पूछा जाता है कि आप जहाँ से चले थे वहाँ से किस दिशा में हैं, आपका डायरेक्शन क्या है, तो प्यारे बच्चों ये जो दिशा होगी इसे हम लोग नॉर्थ ईस्ट कहेंगे, यानी बच्चों हम इसे पूर्वोत्तर कहेंगे, या हम लोग कहेंगे उत्तर पूर्व, क्योंकि ये उत्तर और पूर्व के बीच में है, इस दिशा को हम लोग बच्चों उत्तर और पूर्व कहेंगे। अगर वैसे ही बात करें बच्चों, मान लो आप यहाँ पर पहुँच गए, ये आपका डायरेक्शन हो गया, तो ये जो आपकी दिशा होगी बच्चों नॉर्थ वेस्ट होगी, इसे हम लोग कहेंगे उत्तर और पश्चिम। ये बच्चों हमारा नॉर्थ वेस्ट होगा और इस दिशा को हम लोग कहेंगे उत्तर और पश्चिम। अगर ऐसे ही बच्चों हम यहाँ आ जाएंगे तो ये दिशा हमारी हो जाएगी साउथ ईस्ट, यानी दक्षिण पूर्व, और यहाँ आ जाएंगे तो बच्चों दिशा हो जाएगी साउथ वेस्ट। प्यारे बच्चों इस तरीके से आपको चार मूल दिशाओं के बारे में पहले से पता था, चार इनके सब डायरेक्शन हो गए जो कि आपको दिख रहे हैं। ये इस तरीके से हमारे बच्चों 8 दिशाएँ हो जाएंगी, टोटल 8 हमारी दिशाएं हो जाएंगी, जो कि हम लोग को पहले से यहाँ पर पता था, और नहीं भी पता था तो हम लोग यहाँ पर जान पा रहे हैं कि दिशाएं कौन कौन सी होंगी। अब बच्चों अगली बात आप समझिएगा, ये बातें तो क्लियर हो गई। अगर आगे बात करें बच्चों इन दिशाओं के बाद जो सबसे बड़ी समस्या आती है प्यारे बच्चों, वो दायां और बायां की समस्या आती है। मैंने अक्सर देखा है जब बच्चे इस चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो अपनी कॉपी को ही इधर उधर मोड़ने लगते हैं कि दायां होगा ये बायां होगा। तो बच्चों ऐसा बिल्कुल मत करना, क्योंकि आजकल एग्ज़ाम ऑनलाइन हो रहे हैं, तो पता लगा लैपटॉप सिस्टम को ही आपने इधर उधर कर दिया तो एग्ज़ाम तो चला गया। तो बच्चों ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आज कुछ ऐसा सीखेंगे कि दाएँ बाएँ का गेम ही खत्म हो जाए, और लास्ट में कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट भी दे देंगे बच्चों ना, कि आपको आज के बाद से डायरेक्शन के सवाल आपके लिए सबसे आसान हो जाएंगे।
जिन बच्चों को आज तक समझ में नहीं आया, जिन बच्चों को करने में डिफ़िकल्टी महसूस होती है, जिनके समय बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, उन सभी बच्चों के समय आज से के बाद से नहीं लगेंगे। बच्चों समझो, ये जो दायां होता है ना, हमेशा अपना क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है। घड़ी की सुई कैसे चलती है? ऐसे चलती है। घड़ी की सुई की दिशा को बच्चों हमेशा हम लोग राइट कहते हैं। अगर हम ईस्ट में जा रहे हैं, दाएं मुड़ना है, तो घड़ी की सुई बच्चों नीचे की तरफ आएगी, ऐसे आएगी, ये राइट होगा। अगर बच्चों हम साउथ में जा रहे हैं और हमें राइट मुड़ना है, तो घड़ी की सुई की दिशा बच्चों इधर होगी, घड़ी की सुई इधर ही जाएगी, तो ये बच्चों हमारा राइट हो जाएगा। अगर हम वेस्ट में हैं बच्चों और हमें जाना है घड़ी की सुई की दिशा मानी दाएं मुड़ना है, तो दायां बच्चों ये हमारा इधर हो जाएगा, ये हमारा राइट हो जाएगा। प्यारे बच्चों, एक बात को हमेशा ध्यान देना, घड़ी की सुई की दिशा ही हमारा दायां होता है। जिस दिशा में घड़ी की सुई चलती है, उसी दिशा को हम लोग दायां पक्ष कहते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? दायां साइड हो जाएगा। जस्ट इसके विपरीत की बात करोगे बच्चों, तो ये हमारा लेफ्ट हो जाएगा। यहाँ पर कोई दिक्कत? यहाँ तक आप सभी बच्चों को किसी को दिक्कत नहीं होगी। ए बच्चों, हमारा लेफ्ट हो जाएगा। घड़ी की सुई की दिशा को हम लोग राइट कहेंगे, यानी क्लॉकवाइज जिसे कहते हैं, जिसे हम लोग दक्षिणावर्त कहते हैं, उसे बच्चों हम लोग दायां कहेंगे। जिसे हम लोग वामावर्त कहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं, उसे बच्चों हम बायां कहेंगे यहाँ पर। और आप कहीं भी हैं, अगर आप इधर भी जा रहे हैं बच्चों, दक्षिण पूर्व उत्तर पूर्व दिशा में हैं, तो बच्चों अगर आपको दायां मुड़ना है, तो घड़ी की सुई की दिशा में ही मुड़ोगे। इस बात को सदैव ध्यान रखना। अगर हम यहाँ हैं बच्चों, हमें राइट मुड़ना है, तो हम इधर ही मुड़ेंगे। यहाँ है तो राइट मुड़ना, इधर ही मुड़ेंगे। तो बच्चों हमेशा घड़ी की सुई की दिशा जो होती है वो हमारा राइट होती है, घड़ी की सुई के विपरीत दिशा जो होती है बच्चों हमारा बायां होता है। ये बातें बच्चों आप सभी को क्लियर हो गई होंगी। आगे की बात करते हैं। ये दो बातें तो हम सभी को क्लियर हो गई। तीसरी बात जो होती है बच्चों इस चैप्टर में, हमारे जितने भी क्वाड्रेंट होते हैं, सारे क्वाड्रेंट में 90 डिग्री का एंगल बनता है। क्योंकि बच्चों हमें यहाँ पर एंगल के भी सवाल मिलने वाले हैं, लेकिन बिल्कुल भी आप टेंशन मत लीजिएगा। सारे सवालों को हम आपको इस तरीके से समझा देंगे कि आपको ये सब कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, कि आपको ऐसा भी कुछ करना पड़े। सारे सवाल बच्चों आपके सेकंड में लगेंगे और ये सारी कहानी ख़त्म हो जाएगी वहीं पर, जब हम अभी ये कुछ बेहतर तरीके सीखेंगे। लेकिन होता है ना कि बच्चों जो चैप्टर का बेस है वो भी आपको पता होना चाहिए, इसलिए चीज़ों को छोड़ नहीं रहे हैं, सारी चीज़ों को साथ में लेके चल रहे हैं। इस वीडियो को वॉच करने के बाद इस चैप्टर में कुछ भी ना बचे आपके लिए, ये बातें क्लियर हो जाएंगी कि जितनी भी क्वाड्रेंट हैं, सारे क्वाड्रेंट में 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अगर बच्चों मान लो हम वेस्ट डायरेक्शन में हमारा मुख है और हम दायां दक्षिणावर्त जाते हैं, क्लॉकवाइज जाते हैं 90 डिग्री, तो जस्ट यहाँ से टर्न करके हम यहाँ आ जाएंगे। अगर बच्चों हम फिर से जाते हैं दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज में 45 डिग्री, तो जस्ट इसका हाफ जाएंगे। इस बात को ध्यान देना बच्चों, जितना हमें मूवमेंट करना होगा उतना हम मूवमेंट करेंगे जिस दिशा में कहा जाएगा। क्लॉकवाइज कहा जाएगा तो क्लॉकवाइज का मतलब बच्चों हमारा क्या हो गया? दक्षिणावर्त यानी घड़ी की सुई की दिशा। एंटी क्लॉकवाइज कहा जाएगा तो बच्चों वामावर्त यानी घड़ी के विपरीत सुई की दिशा। ठीक है, अब अगली बात समझिएगा बच्चों। जैसे मान लो आप यहाँ, आप बच्चों यहाँ पर गए, मान लीजिए ईस्ट में गए 3 किलोमीटर्स, फिर आप बच्चों यहाँ से नॉर्थ में मुड़ गए और आपने 4 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया, 3 और 4 मीटर। मान लो आप यहाँ पर ईस्ट में गए 3 मीटर और फिर बच्चों आप नॉर्थ में चले गए 4 मीटर। अब आपसे पूछा गया जहाँ से आप चले थे वहाँ से आपकी दूरी क्या है, तो ये बच्चों आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया। डिस्टेंस की बात करेंगे तो बच्चों ये आपका टोटल डिस्टेंस होगा और ये आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। ये जो विस्थापन होगा बच्चों, अगर आपको इसको निकालना है कि आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, या इसे हम लोग अपनी अपनी लैंग्वेज में स्लैंट हाइट कहते हैं, तिरछी दूरी कहते हैं। अगर हमें तिरछी दूरी निकालना है बच्चों, तो आप सभी ने पाइथागोरस का प्रमेय पढ़ा होगा। तिरछी दूरी यानी कर्ण स्क्वायर बराबर आप लोगों ने पढ़ा होगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर बराबर होता था। तो स्क्वायर हटा के बच्चों यहाँ पर लिख दिया एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस फार्मूले के थ्रू बच्चों आप हमारा जो ये तिरछा डिस्टेंस होगा इसको भी फाइंड कर लोगे। जैसे ये सवाल था, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा बच्चों 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, और 16 9 बच्चों 25 हो जाएगा। 25 किसकी करनी होती है? 5 की। तो इस तरीके से आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 5 मीटर। ठीक है बच्चों, रेडियो रिकॉर्डिंग चल रही है, हमें चेक करना पड़ता है कि चीज़ें चल रही नहीं चल रही हैं। तो आई होप कि बच्चों ये बेसिक बातें आपको क्लियर हो गई होंगी।
अब बच्चों आपको जो बताने चल रहे हैं अगला 5 मिनट ही इस चैप्टर का पूरा सारांश है। फिर हम डायरेक्टली आ जाएंगे अपने सवालों पे और एक से बढ़ के एक सवाल आपको कराएंगे और आप देखिएगा कि डायरेक्शन के सवालों को हम लोग सेकंड में कैसे सॉल्व करते हैं। लेकिन बच्चों 5 मिनट आपका और समय लेंगे हम कॉन्सेप्ट में। हाँ, तो ये बातें क्लियर हो जाएंगी तो फिर बच्चा कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। आप देखेंगे कि पूरे चैप्टर के सवाल बिना फिगर के कैसे सॉल्व होते हैं, कहीं पर किसी भी फिगर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप सारे सवालों को बना पाएंगे। ठीक बच्चों, चलते हैं अपने ऐसे कॉन्सेप्ट की तरफ जिस कॉन्सेप्ट का जिक्र करना हम आप सभी से चाह रहे थे। अब देखो बच्चों, अब बातों को समझिएगा ध्यान से। अब क्या है बच्चों, यहाँ पर यही आपका मेन है, इस चैप्टर का सारांश है और इस बात को आपको बहुत गंभीरता से लेना है। जैसे बच्चों आप समझिएगा, ये आपकी दिशाएं होती हैं। आपने पढ़ा कि सर ये हमारा नॉर्थ होता है, ये हमारा ईस्ट होता है, ये हमारा साउथ होता है और प्यारे बच्चों ये हमारा वेस्ट होता है। ये हमारी 4 दिशाएँ होती हैं। अगर बच्चों हम बात करें नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट की, तो ये हमारा कैसा दिशा हो गया, क्लॉक वाइज हो गया। यानी बच्चों हम लिख सकते हैं NESW। N का मतलब नॉर्थ, E का मतलब ईस्ट, S का मतलब साउथ, W का मतलब वेस्ट। बच्चों नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, ये हमारा डायरेक्शन हो गया, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, ये हमारी दिशाएं हो गई। अगर बच्चों कभी भी आप इधर से इधर जाओगे तो इस दिशा को हम राइट कहते हैं। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो अच्छे से लिख लेना। बच्चों कभी भी इधर से हम इस दिशा में जाएंगे तो इसे सदैव राइट कहेंगे। आप देखो ना, अगर आप नॉर्थ में जा रहे हो, आपको राइट मुड़ना है तो आपको ईस्ट में मुड़ना पड़ेगा। अगर बच्चों आप ईस्ट में जा रहे हो और आपको राइट मुड़ना है तो आपको साउथ में मुड़ना पड़ेगा। और बच्चों अगर आप साउथ में जा रहे हो और आपको ईस्ट में मुड़ना, आपको बच्चों राइट में मुड़ना है तो आपको वेस्ट मुड़ना पड़ेगा। और वेस्ट में जा रहे हो आपको राइट मुड़ना है, बच्चों आपको नॉर्थ में जाना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों कभी भी इधर से इधर जाएंगे तो हम राइट में जाएंगे। मान लो हम वेस्ट में जा रहे हैं, अब हमें राइट में जाना है, तो वेस्ट का जो राइट होगा बच्चों वो हमारा नॉर्थ हो जाएगा, इस बात को ध्यान देना। और बच्चों कभी भी आप इधर से इधर आओगे तो ये आपका लेफ्ट साइड होगा। जैसे देखो, अगर ईस्ट का लेफ्ट देखोगे तो बच्चों क्या होगा, नॉर्थ होगा। साउथ का लेफ्ट देखोगे तो बच्चों ईस्ट होगा। वेस्ट का लेफ्ट देखोगे तो बच्चों साउथ होगा। तो ये सारी चीज़ें लेफ्ट हो गई, ये और हमारी क्या हो गई, राइट हो गई, इस बात को आप ध्यान देना। अब अगली बात क्या है, जैसे मान लो बच्चों आप ये ऑरिजिन पॉइंट हैं, मूल बिंदु हैं, जहाँ से आप नॉर्थ में जाते हो 10 किलोमीटर, मान लो एग्जाम्पल लेते हैं। अगर यहाँ से आप नॉर्थ में गए 10 किलोमीटर, मान लो ये डिस्टेंस आपका 10 किलोमीटर है, और फिर हमने कह दिया वहाँ से आप साउथ में आ गए 5 किलोमीटर, तो साउथ में अगर बच्चों आप 5 किलोमीटर आ गए तो जहाँ से थे वहाँ से आप किस दिशा में हैं और कितनी दूरी पे हैं। तो बच्चों यहाँ से आप 5 किलोमीटर दूर और नॉर्थ में हैं, 5 किलोमीटर दूर और नॉर्थ में हैं। तो बच्चों इसका मतलब समझिएगा, सबसे पहले आप बच्चों नॉर्थ में गए थे, कितना गए थे, 10 किलोमीटर, फिर आप साउथ में गए 5 किलोमीटर। अब आपका आंसर क्या होगा, तो बच्चों ये 5 से इसका 5 कटेगा, नॉर्थ का 10 है, इसका 5 कटेगा, हमारा आंसर 5 किलोमीटर नॉर्थ हो जाएगा। ठीक है, अब एक बात आप समझिएगा, दिशा भी आ जाएगी दूरी भी आ जाएगी। एक बात समझिएगा बच्चों, नॉर्थ से हमेशा साउथ कैंसिल हो जाता है और बच्चों ईस्ट से हमेशा वेस्ट कैंसिल होगा। अगर पूरे सेम वैल्यू है 10 10, तो बच्चों कैंसिल होके 0 आंसर आ जाएगा। मान लो कोई नॉर्थ में गया 10 और फिर से बच्चों साउथ में 10 आ गया, तो जितना गया उतना ही रिटर्न हो गया, तो कितना डिस्टेंस कवर किया, 0 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। तो बच्चों वही बात बता रहा हूँ, और 10 गया 5 आया तो सिर्फ 5 ही किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। अभी सवालों पर बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है, बस अभी बातों को इतना समझो कि नॉर्थ से हमेशा साउथ कटेगा और क्यों कटेगा, वही रीज़न समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ये बात समझ में आ जाए कि हम लोग काटेंगे क्यों। क्योंकि बच्चों अगर आप नॉर्थ में जाओगे और फिर साउथ में रिटर्न हो जाओगे तो आप देख पा रहे हो कि उसी में से वैल्यू घट जा रही है, तो वो हम यहाँ पर कट कर देते हैं, तो जितना बचेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। और बच्चों हमेशा ईस्ट से वेस्ट कटेगा, अगर आप ईस्ट में जाओगे और फिर अगर आप वेस्ट में मुड़ोगे, बच्चों जितना भी मुड़ोगे उतना वैल्यू कट जाएगा। अगर सेम का पूरा मुड़ गए तो पूरा का पूरा कट गया, आप जहाँ से चले थे वहीं पहुँच गए। ये बातें क्लियर, यानी नॉर्थ से साउथ कटेगा, ईस्ट से वेस्ट कटेगा, ये बातें आपको क्लियर हो गई। दूसरी बात बच्चों, यहाँ पर और क्या होता है, इसके अलावा जो बातें होती हैं वो राइट और लेफ्ट की बातें होती हैं।
अब बच्चों अगर राइट और लेफ्ट की बात होगी इसके अलावा, तो प्यारे बच्चों राइट से लेफ्ट कैंसिल होता है, राइट से लेफ्ट कैंसिल होता है। क्यों? जैसे मान लो बच्चों आप ईस्ट में जा रहे हो, यहाँ से गए और ईस्ट में गए, और फिर आपने राइट में मुड़ गए तो आप नीचे मुड़ गए, फिर आप लेफ्ट में मुड़ गए, इधर मुड़ गए। अब अगर हम आपसे पूछते हैं कि आप किस दिशा में जा रहे हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? ईस्ट ही होगा। आप ईस्ट में चलना शुरू किए थे, फिर आप राइट मुड़े, फिर लेफ्ट, तो राइट लेफ्ट कैंसिल हो गया, आपका आंसर क्या आ गया? ईस्ट आ गया। अगर यहीं पर आपसे दूरी बोल देता कि राइट में 10 किलोमीटर गए, लेफ्ट में 5 किलोमीटर गए, ठीक समझिएगा, आप सबसे पहले जैसे बोल दिया कि एक व्यक्ति ईस्ट में जा रहा है, 10 किलोमीटर गया, फिर जैसे हमने बोल दिया आपने राइट में मुड़ा 5 किलोमीटर, और फिर मैंने अगर बोल दिया बच्चों आपने लेफ्ट में गया 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर, कुछ भी बोल दिया, अब अगर हम आपसे पूछते वह किस दिशा में जा रहा है, तब तो कुछ नहीं करना था बच्चों, राइट लेफ्ट पर लगा देना था सवाल, अपना आंसर वही आ जाता। लेकिन अगर हम आपसे ये पूछते कि जहाँ से वह चला था वहाँ से किस दिशा में है, तो बच्चों आपका आंसर क्या होता? ये ईस्ट है और ये साउथ है, तो आपका आंसर होता साउथ ईस्ट। लेकिन एक ऐसा निकलेगा ट्रिक पे, तो इसके केस में बच्चों आप NESW लगा दोगे कि भाई सबसे पहले वो ईस्ट में गया 10, फिर राइट में मुड़ा, तो ईस्ट का जो राइट होता है वो बच्चों साउथ होता है, और साउथ से फिर राइट में मुड़ा तो इसका सॉरी लेफ्ट में मुड़ा, राइट के बाद किधर मुड़ता है? लेफ्ट मुड़ता है, तो इसका जो लेफ्ट हो जाएगा बच्चों वो ईस्ट हो जाएगा, यानी फिर ईस्ट में आ जाएगा। तो आप देखोगे बच्चों यहाँ पर 15 आ जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा, और ये वैल्यू आपस में कटते नहीं है, क्योंकि ईस्ट से वेस्ट कटता है, नॉर्थ से साउथ। अगर बच्चों दिशा पूछा तो आपका सीधा सीधा आंसर हो गया नॉर्थ साउथ ईस्ट, यानी जो दिशाएं हमारी आई साउथ और ईस्ट आ गई, तो हमारी दिशा क्या हो जाएगी बच्चों? साउथ ईस्ट। अगर आपसे डिस्टेंस पूछता तो प्यारे बच्चों यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगता, 15 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर। क्योंकि आप देख लो, अगर यही ट्रायंगल आप पूरा क्रिएट कर देते तो ए 5 था, तो ए भी बच्चों 5 हो जाएगा, और ए दूरी आपको निकालना है, ए 10 था तो ए भी बच्चों 10 हो गया, और ए 5 था तो ए 10 5 15 हो गया, ए 15 हो गया, ए 5 हो गया, तो ए दिशा बच्चों पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। तो आपको आप बातें समझ में आ गई होंगी, और जिनको अब भी नहीं आई समझ में उनको भी टेंशन नहीं लेना है, अब हम सवालों पे चलेंगे, सारी बातें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी जिन बच्चों को अभी क्लियर नहीं हुआ है। वैसे सारा कॉन्सेप्ट हो गया है, लेकिन फिर भी अगर किसी बच्चे को डाउट है तो उसकी सारी चीज़ें बच्चों अब हमारे क्वेश्चनों में आ जाएंगी, और फिर कहीं कोई समस्या नहीं होगी, सारी चीज़ों को आप लगा पाओगे। अब बच्चों हम अपने प्रश्नों पर चलते हैं। प्यारे बच्चों जो बच्चे UPP की तैयारी कर रहे हैं उनको कंप्लीट सिलेबस दे देंगे फ्री में, आप अपने घर बैठे जो है यहाँ पर तैयारी कर सकते हैं फ्री में बैचेस। और अभी तो आपका फॉर्म भी नहीं आया, चुनाव भी नहीं हो रहा है बच्चों, तब तक सब्सक्राइबर शायद हमारे कुछ गेन हो जाएंगे, तो हम आपकी लाइव क्लास ले पाएंगे। जब लाइव क्लास आएंगे तो बच्चों आपकी तैयारी में बहुत फास्ट आपकी बेहतरीन तैयारी हो जाएगी, फिर समस्याएँ आपकी लगभग लगभग ख़त्म हो जाएंगी। तो बच्चों अब हम शुरू करते हैं आज की कहानी, यानी आज के क्वेश्चनों की कहानी। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस हैं, काफ़ी क्वेश्चन तो हमने पहले से लिख रखा है, जो क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस देखेंगे। एक बार वीडियो कंफर्म कर लिया जाए, पानी पी लिया जाए। बच्चों वीडियो चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, चलते हैं बच्चों अब हम क्वेश्चनों पे। हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से देखिएगा, आप सभी को बोर्ड पे दिख रहा होगा सवाल, इस चीज़ को मिटा दें नहीं तो हम एडिटिंग करने में दिक्कत आ जाएगी, क्वेश्चन जब हम यहाँ टाइप करेंगे तो। अब बच्चों चलो देखते हैं। प्यारे बच्चों अब आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, राम उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर चलता है। राम किधर चलता है बच्चों? उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर चलता है, बाएं मुड़ जाता है और 4 किलोमीटर चलता है। राम उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर चलता है, बाएं मुड़ जाता है, 4 किलोमीटर चलता है, उसके बाद वह फिर दाएं मुड़ जाता है और 5 किलोमीटर चलता है, उसके बाद दाएं मुड़ जाता है और 5 किलोमीटर चलता है, उसके बाद दाएं मुड़ जाता है फिर से और 4 किलोमीटर चलता है। बताइए कि वह स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पे है। अब बच्चों देखो, इस सवाल को अगर हमें विदाउट फार्मूला करना हो तो क्या करेंगे? सबसे पहले बच्चों NESW लिख देना है, ठीक है। राम उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर, तो उत्तर के नीचे आप 10 लिख दो, उत्तर के नीचे सीधा सीधा 10 लिख दो,
बाएं मुड़ जाता है 4 किलोमीटर। बच्चों इसका बायां किधर होगा? इसका बायां बच्चों W हो जाएगा, क्योंकि आपको बताया मैंने कि NESW में ए हमारा राइट साइड होता है और प्यारे बच्चों ए हमारा लेफ्ट साइड होगा। अगर हम नॉर्थ से लेफ्ट में मुड़ेंगे तो बच्चों वेस्ट में आ जाएंगे। अपने बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, इसके नीचे 4 लिख दो। फिर लिखा है उसके बाद वह फिर दाएं मुड़ जाता है और 5 किलोमीटर चलता है। बच्चों यहाँ से फिर दाएं मुड़ेगा, इसका दायां जो होगा बच्चों वेस्ट का, फिर से नॉर्थ आ जाएगा, दाएं मुड़ेगा और इसका दायां नॉर्थ होगा 5 किलोमीटर, इसके नीचे 5 लिख दो। लिखा है उसके बाद फिर दाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, फिर बच्चों दाएं मुड़ेगा तो 4 यहाँ हो जाएगा। ठीक है, बताइए कि वह स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पर है। प्यारे बच्चों ये हमारा सवाल है, ये हमारा पहला सवाल है और सवाल आपका लग गया है। हमने आपसे कहा ईस्ट से वेस्ट कैंसिल होता है, ईस्ट से वेस्ट में दोनों का डिस्टेंस 4 और 4 है तो ये कैंसिल हो गया। हमारा यहाँ पर बच्चों नॉर्थ का डिस्टेंस 15 आया, यही आंसर हो गया। उत्तर में 15 किलोमीटर, आपका दूरी और दिशा दोनों आ जाएगा। तो बच्चों आपका जो डायरेक्शन होगा नॉर्थ होगा और आपको जो डिस्टेंस आएगा वो 15 किलोमीटर आएगा, यही आपका आंसर है। प्यारे बच्चों कोई भी फार्मूला बनाने की आवश्यकता है ही नहीं चैप्टर में, बात समझ में आई नहीं आई? इस तरीके से सवाल को लगाएंगे आप देखेंगे कि आप आंसर आ जाएगा। अगर आप इसी सवाल का बनाते या फिगर बनाते तो आप क्या करते? राम उत्तर 10 किलोमीटर चलता है तो बच्चों सबसे पहले राम को उत्तर में ले जाते और 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कराते। बाएं मुड़ता है तो बच्चों इसका बायां किधर होगा? इसका बायां इधर होगा। बाएं मुड़ता है 4 किलोमीटर चलता है, ठीक है। उसके बाद फिर दाएं मुड़ता है, अब इसका बच्चों दायां किधर होगा? ऊपर होगा, क्लॉकवाइज दाएं मुड़ता है और बच्चों 5 किलोमीटर जाता है, और फिर से दाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर जाता है। अब इसका दायां बच्चों इधर होगा, दाएं मुड़ेगा और 4 किलोमीटर जाएगा। स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पे है? तो प्यारे बच्चों अगर ए डिस्टेंस 5 है तो ए भी डिस्टेंस तो 5 ही होगा ना, और यहाँ से बच्चों अगर आप दूरी देखोगे 10 और 5 15 तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 15 किलोमीटर, और दिशा क्या हो जाएगी बच्चों? जहाँ से चला था नॉर्थ हो जाएगा। तो हमें ए नहीं बनाना पड़ेगा, जब हमें NESW पता रहेगा तो सवाल बच्चों हमारे NESW से ही लग जाएगा। इस छोटे से ट्रिक पे, इस छोटे से कॉन्सेप्ट से आप सवाल को सेकंड में लगा पाओगे, कहीं 1% की समस्या नहीं आएगी और आपका तुरंत आंसर आ जाएगा। चलते हैं बच्चों, हर तरह के प्रश्न लिखे हैं लेकिन अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है। कहते हैं ना कि जब तक आप अभ्यास नहीं करेंगे तब तक आप बहुत बेहतर नहीं कर पाएंगे। तो बच्चों हर तरह के प्रश्नों को हम लाए हैं यहाँ पर, हर तरह के प्रश्न देखेंगे, बस आप धैर्य बना के रखे रहिए। आप देखेंगे आफ्टर क्लास आपका चैप्टर एकदम बढ़िया से क्लियर हो जाएगा और फिर कहीं कोई समस्या आपको नहीं आने वाली है। अभी हम लोग चलेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। बच्चों हमारे चैनल पे टू द पॉइंट्स आपको पढ़ने की चीज़ें मिलेंगी, नो बकवास नो ड्रामा ओनली एजुकेशन। बच्चों सिर्फ एजुकेशन की बातें होंगी जहाँ पर आपको पढ़ने को मिलने वाला है। बच्चों एक बात ध्यान देना, मेहनत करना पड़ेगा आपको, बिना मेहनत किए जैसा कार्य नहीं होगी। क्योंकि बच्चों आपको पता है कि एक जो कोरोना काल है इसने नौकरी की अहमियत को अच्छे से समझा दिया है कि नौकरी क्या होता है, नौकरी क्या है, इसका कितना इम्पोर्टेंस है। अच्छे खासे लोग बच्चों रोड पे आ गए हैं, बस इतना सा है कि चीज़ें जब चलती रहती हैं तो एहसास नहीं होता है, इंसान ज़िंदगी से लड़ना सीख लेता है। लेकिन बच्चों वाकई में हर एक इंसान परेशान हुआ है इस कोरोना काल में। अगर आपने मेहनत कर ली सच्चे मन से ईमानदारी से तो आप बेहतर कर ले जाओगे बच्चों, और कहीं ना कहीं अपने माता पिता जिनकी उम्मीदें हैं, जिनको आप भी कुछ करना चाहते हैं कि अपने माता पिता के लिए कुछ किया जाए, आपके पास जब नौकरी होगी बच्चों आप उनके लिए भी कुछ कर पाओगे। और बहुत ज़रूरी है बच्चों माँ बाप को सुख देना, उन्होंने हमें इतना बड़ा कर दिया है तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम उनके लिए कुछ कर पाए। तो प्यारे बच्चों जब वर्क करोगे, मेहनत करोगे, अपने हाथ में पैसे होंगे तभी तो उनके लिए कुछ कर पाओगे, इसलिए पढ़ाई करो और नौकरी लो। अगला सवाल है, श्याम उत्तर की ओर 20 किलोमीटर चलता है, फिर अपने दाई ओर मुड़ जाता है और 15 किलोमीटर चलता है। पहले सबसे पहले बच्चों श्याम उत्तर की ओर 20 किलोमीटर चलता है, 20 मीटर है बच्चों, किलोमीटर नहीं है, 20 मीटर चलता है। फिर वह अपने दाई ओर मुड़ जाता है और 15 मीटर चलता है। वह पुनः दाई ओर मुड़ जाता है और 20 मीटर चलता है, फिर बाई ओर मुड़कर 35 मीटर चलता है। बताइए वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? प्यारे बच्चों दोनों मेथड आपको दे रहा हूँ ताकि आप अच्छे से सीख सको। NESW लिख देना है, बिना सोचे समझे NESW लिख देना है। श्याम उत्तर की ओर बच्चों 20 मीटर चलता है,
नॉर्थ का मतलब बच्चों ए हो गया हमारा, कितना गया से हम 20 मीटर गया उत्तर की ओर। फिर वह अपने दाईं ओर मुड़ जाता है, ठीक है बच्चों इसका दायां ईस्ट होगा। फिर वह अपने दाईं ओर मुड़ जाता है और 15 मीटर चलता है, तो बच्चों दाईं ओर मुड़ा और 15 मीटर गया। पुनः वह दाईं ओर मुड़ जाता है और 20 मीटर गया, फिर से बच्चों दाएं मुड़ेगा और 20 मीटर जाएगा, इसका दायां बच्चों साउथ हो जाएगा और 20 मीटर हो जाएगा। फिर वह बाईं ओर मुड़कर 35 मीटर चलता है, बच्चों इसका बायां ईस्ट होगा और इधर आएगा 35। जब स्टार्ट डिस्टेंस मिले नीचे लिखना शुरू कर दिया करो। 35 मीटर चलता है, बताइए वह अपने आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। हमसे दिशा नहीं पूछा गया बच्चों, सिर्फ दूरी पूछा गया है। ये लगभग वैसा ही सवाल है जैसा अभी इसके पहले हम लोगों ने लगाया था। तो आप देखेंगे बच्चों यहाँ नॉर्थ और साउथ दोनों में सेम है, ए हमारा कैंसिल हो जाएगा, इनके वैल्यू भी सेम सेम है तो कैंसिल हो जाएगा। इनको प्लस करेंगे बच्चों 5, 5, 10, 3, 1, 4, 5, 50, तो प्यारे बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा 50 मीटर। अगर हमसे दिशा पूछता है तो दिशा बच्चों हमारा ईस्ट हो जाएगा, आंसर हो गया। और बच्चों एक बात ये भी कह रहे हैं, आप जाना चाहे जिस बुक से सवाल लगाना है, हमने तो मान लो लिख के लाया हूँ कुछ बुक से क्वेश्चंस, आप चाहे जिस बुक से लगाइएगा, सारे बुक के सवाल ऐसे लगाना आप सिकंड में लगेंगे, कहीं कोई समस्या आने वाली नहीं है। सारे सवाल लगेंगे, हर तरह के सवाल हैं, पहले एक बार वीडियो को वॉच कर लो, हर तरह के सवालों को समझ लो, तब अभ्यास करिएगा। अगर हम ये लोग इसे वैसे करते तो शाम को बच्चों सबसे पहले हम उत्तर की ओर ले जाते 20 मीटर, ठीक है। फिर हम इसे ले जाते दाईं ओर, दायां मतलब बच्चों जो अपना दायां वही इसका दायां, तो हम इसे दाईं ओर ले गए और 15 मीटर ले गए बच्चों, ठीक। अब पुनः दाईं ओर मुड़ेगा 20 मीटर, तो बच्चों इसका दायां किधर होगा, नीचे की तरफ होगा, और 15 मीटर पुनः दाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर जाता है, सॉरी बच्चों 20 मीटर जाता है, दाईं ओर मुड़ा और 20 मीटर गया। फिर वह बाईं ओर मुड़ के 35 जाएगा, अब बच्चों इसका बायां किधर होगा, इधर हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ जाएगा 35 मीटर। अब बच्चों ये पर्सन यहाँ पर पहुँच गया है, हमसे पूछ रहा है प्रारंभिक स्थान से उसकी दूरी क्या है। प्यारे बच्चों अगर ये 15 है और ये 20 है तो ये 20 है, तो यानी जिस सड़क से चल रहा था उसी सड़क पर फिर से आके ये रुक गया। तो बच्चों अगर ये 15 डिस्टेंस है तो ये भी 15 होगा, और 15 और 35 मिलके बच्चों 50 हो जाएगा। और दिशा क्या दिख रही है आपको, साफ साफ दिख रही है बच्चों ईस्ट है। तो प्यारे बच्चों चाहे आप बाई फार्मूला करो चाहे आप बाई फिगर करो, दोनों तरीक़ों से आपके सेम आंसर आएंगे। और आई होप कि आपको फिगर का कॉन्सेप्ट खूब अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हम इसके सवाल को इनके सवाल को बाई फिगर कैसे सॉल्व करेंगे और बाई फिगर कैसे इनके क्वेश्चनों को आसान बनाया जा सकता है। चलते हैं बच्चों अगले प्रश्न की तरफ, तो कोशिश है कि हम आपको हर तरह का प्रश्न करा पाएँ, हमारे पास बहुत तरह तरह के प्रश्न हैं, वो सारे प्रश्न हम आपको दे पाएँ। तो बच्चों वीडियोस कैसे लग रहे हैं, हर चैप्टर के वीडियोस लगभग आपको मिलना शुरू हो गया है, और अभी मैं लगभग कंटिन्यू ही वीडियो डाल रहा हूँ, गैप भी ज़्यादा नहीं हो पा रहे हैं, क्विज भी आपको मिल जा रहे हैं बीच बीच में, शॉर्ट्स वीडियोस हम आपको डेली अपलोड कर देते हैं कुछ ना कुछ ट्रिक्स के, वो शॉर्ट वीडियोस भी बच्चों आपके लिए बहुत बेहद हेल्पफुल साबित होंगे जब आप उनको रियल में रेगुलर फॉलो करते रहोगे। रेगुलर फॉलो करोगे तो आप कुछ ना कुछ शॉर्ट ट्रिक्स डेली सीखोगे और वो शॉर्ट ट्रिक्स दिमाग में बना रहेगा। जब आप बहुत सारा शॉर्ट ट्रिक्स सीखते हो तो भूल जाते हो, लेकिन जब आपको एक एक शॉर्ट ट्रिक्स मिलता है डेली तो वो चीज़ें दिमाग में बनी रहती हैं। तो शॉर्ट ट्रिक मैंने आज बहुत बढ़िया दिया था, जाके ज़रूर वॉच कर लिया करो बच्चों। शॉर्ट्स वीडियोज़ भी ज़रूर देखो, वो भी बहुत काम के हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों, एक व्यक्ति पश्चिम की तरफ मुंह करके खड़ा है, एकदम डिफरेंट सवाल, अभी तक का जितना सवाल आप पढ़े हैं उन सबसे डिफरेंट सवाल। एक व्यक्ति पश्चिम की तरफ मुंह करके खड़ा है, वह 45 अंश दाहिने घूमता है, पुनः 180 डिग्री दाहिने घूमता है, तत्पश्चात 270 डिग्री बाएं घूमता है, अब उसका मुख किस दिशा में है। बच्चों समझो इस सवाल को कैसे करोगे, एक व्यक्ति का मुख पश्चिम की तरफ है, तो बच्चों सबसे पहले आप वेस्ट लिख लो। अब देखो इसका ट्रिक क्या है, ये डिग्री वाला सवाल है जो हमने कोऑर्डिनेट बताया था कि सारे कोऑर्डिनेट में 90-90 डिग्री के एंगल होते हैं, ये उस तरह का सवाल है। तो बच्चों यहाँ मान लो कि एक व्यक्ति का मुख वेस्ट साइड में है, तो हमने वेस्ट लिख दिया, वह 45 डिग्री दाहिने घूमता है, दाहिने का मतलब बच्चों राइट, इसके सामने 45 डिग्री, पुनः दाहिने 180 घूमता है, फिर से राइट लिखो और 180 डिग्री लिखो बच्चों, तत्पश्चात 270 डिग्री बाएं, तो बच्चों लेफ्ट लिखो और 270 डिग्री लिखो, अब उसका मुख किस दिशा में है। प्यारे बच्चों अब उसका मुख किस दिशा में है आपको ये बताना है। तो बच्चों अगर आप देखोगे राइट और राइट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा।
बात क्लियर है? अगर राइट के दोनों के मान को जोड़ा जाए तो 225 हो जाएगा। अभी हमें जितना बोला गया हमने चीज़ों को लिखा है स्टेप बाय स्टेप। बस बच्चों 225 से 225 इसका कैंसिल हो जाएगा लेफ्ट वाला, तो इसका लेफ्ट का बच जाएगा 45 डिग्री। क्या बच जाएगा? लेफ्ट का 45, क्योंकि 225 कट जाएगा, इसका बच्चों 45 बच जाएगा, तो वेस्ट का 45 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों ये आपका वेस्ट होता है और इसका ऊपर राइट होता है, नीचे लेफ्ट होता है, तो लेफ्ट में 45 डिग्री आओगे बच्चों, यानी जस्ट इसका हाफ, तो ये आपका साउथ होता है। आपका जो आंसर हो जाएगा बच्चों वो साउथ वेस्ट हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? साउथ वेस्ट। बातें क्लियर हुई बच्चों? अगर आप इसे वैसे लगाते तो सबसे पहले आप क्या करते, एक व्यक्ति का मुख वेस्ट साइड में करते हैं। फिर बोला गया एक व्यक्ति की जिसका मुख पश्चिम की तरफ है वह 45 डिग्री दाहिने घूमता है, तो 45 का मतलब बच्चों जस्ट हाफ, दाहिने घूमा 45। अब पुनः दाहिने घूमता है 180 डिग्री, तो 180 डिग्री का मतलब बच्चों स्ट्रेट लाइन, यानी ये पूरी स्ट्रेट लाइन 180 हो गया। फिर कहता है बच्चों वह अब अपने बाएँ घूमता है 270 डिग्री। अगर 270 डिग्री बाएं घूमेगा तो प्यारे बच्चों वह व्यक्ति यहाँ से रिटर्न हो गया 180 और 45, 225 और 45, 270। तो बच्चों वो व्यक्ति यहाँ से यहाँ आएगा जो कि 270 डिग्री हो जाएगा, तो उस व्यक्ति का मुख अभी इधर हो गया जो कि वेस्ट और साउथ के बीच में है, तो बच्चों आंसर क्या हो जाएगा? साउथ वेस्ट। आई होप कि बच्चों आपको समझ में आ रहे होंगे, और ऐसे ही हमारे पास बहुत बेहतर बेहतर प्रश्न हैं जो कि आज की क्लास में मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ अभी। बच्चों अभी चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि हमारे पास बहुत सारे बेहतरीन क्वेश्चंस हैं, और अभी जो भी क्वेश्चंस बचे हुए हैं उन क्वेश्चनों को हम लोग देखते हैं वन बाय वन करके। तो क्वेश्चंस के कलेक्शन कैसे हैं और क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसा है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे पता है बच्चों डायरेक्शन के क्वेश्चन कहीं ना कहीं आप लोगों से लग जाते होंगे, लेकिन बच्चों आज की क्लास में आपने जो एक कॉन्सेप्ट सीखा कि विदाउट फिगर इनके क्वेश्चनों को कैसे किया जाए, ये हो सकता है कि आपके लिए न्यू कॉन्सेप्ट रहा हो, क्योंकि बच्चों ऐसे बहुत कम वीडियोस पड़े हैं यूट्यूब पे हमने जहाँ तक देखा है अभी तक। तो ये बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है जिसके थ्रू आप इन क्वेश्चनों को, इनके प्रश्नों को बहुत कम टाइम में बना पाते हैं। तो चलो बच्चों अभी अपने अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। तो यहाँ पर अगला जो प्रश्न है बच्चों वो दिशा के ऊपर है। अभी तक हम लोगों ने जो सवाल पढ़ा बच्चों दूरियों के ऊपर पढ़ा, दिशाओं के ऊपर पढ़ा, और बच्चों कोण के ऊपर भी पढ़ा। अब जो अगला प्रश्न है बच्चों सीधा का सीधा सवाल सिर्फ दिशा के ऊपर है। जैसे सवाल में है मैं उत्तर की ओर जाता हूँ, फिर दाईं ओर मुड़ जाता हूँ, एक बार फिर दाईं ओर मुड़कर बाईं ओर मुड़ जाता हूँ, अब मैं किस दिशा में जा रहा हूँ? तो बच्चों जब भी ऐसा सवाल आए कि मैं किस दिशा में जा रहा हूँ, तो उस सवाल पे आप यही हमेशा करना कि सबसे पहले बच्चों क्या बोला है, मैं उत्तर दिशा की ओर जाता हूँ, तो नॉर्थ लिख लेना, सबसे पहले नॉर्थ लिख दिया। फिर बोला फिर दाईं ओर मुड़ जाता हूँ, तो बच्चों राइट लिख देना, राइट का आर लिख दो बस बहुत है। एक बार फिर दाएं मुड़ जाता हूँ, फिर से राइट लिख दो, और फिर बाईं ओर मुड़ जाता हूँ, लेफ्ट लिख दो। अब मैं किस दिशा में जा रहा हूँ बच्चों, यही हमारा आंसर होगा। तो प्यारे बच्चों राइट से लेफ्ट कैंसिल हो जाता है, ऐसा मैंने आज आपकी क्लास में बताया कि राइट से लेफ्ट हमारा कैंसिल होगा, नॉर्थ का जो राइट होगा बच्चों वही हमारा आंसर होगा। तो नॉर्थ का राइट क्या होता है बच्चों? ईस्ट होता है। देखो ना, अगर आप नॉर्थ में जा रहे हो और आप राइट में मुड़ोगे तो बच्चों ईस्ट में जाओगे, और वैसे भी हमने NESW लिखाया था, तो नॉर्थ का बच्चों राइट क्या होता है? ईस्ट होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ईस्ट हो जाएगा। राइट से लेफ्ट कैंसिल होता है, लेकिन एक ही राइट लेफ्ट कटेगा, ऐसा मत सोचना कि दोनों का राइट काट देंगे, नहीं बच्चों एक राइट एक लेफ्ट कटेगा, ठीक है। अब जैसे अगर आप इसे बाई कॉन्सेप्ट करते तो सबसे पहले कि एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर जा रहा है, फिर वह दाईं ओर मुड़ जाता है, और फिर से बच्चों वह दाईं ओर मुड़ जाता है, और फिर वह बच्चों अपने बाईं ओर मुड़ जाता है, बायां इधर होगा। तो बच्चों देखो किस दिशा में जा रहा है, ईस्ट में ही जा रहा है ना, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो जब भी दिशा के ऊपर सवाल आए हमेशा आपको वैसे ही करना है, और इस तरीके से लगाओगे बच्चों आपका तुरंत आंसर आ जाएगा। थोड़ा भी ज़रूरत नहीं है कि आप सवालों में फिगर बनाओ, आपके सारे सवाल बच्चों बिना फिगर के भी हो जाएंगे और कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। चलते हैं बच्चों अपने अगले प्रश्न की तरफ। हम लोग का जो बच्चों अगला प्रश्न है यहाँ पर है, ए बी के उत्तर में है, ए बी के उत्तर में है जबकि सी बी के पश्चिम में है, तो सी के संदर्भ में ए की दिशा क्या है?
बच्चों क्वेश्चन है, ए बी के उत्तर में है जबकि सी बी के पश्चिम में है, तो सी के संदर्भ में ए की दिशा क्या है? प्यारे बच्चों जैसे कह रहा है ए जो है किधर है, बी के उत्तर में है, तो बी मान लो यहाँ है तो बी का उत्तर क्या होगा, ऊपर होगा, तो ए बच्चों बी के उत्तर में है, ए किधर है, बी के उत्तर में है, जबकि सी बी के पश्चिम में है, और बच्चों सी जो है बी के पश्चिम में है, तो बी का पश्चिम किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। अब बच्चों इस क्वेश्चन में हम इसे क्यों बता रहे हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पर हमें ना दिशा बोला है और जो न दूरी दिया है और जो दिशाएं दे रहा है बच्चों किसी एक को लेके नहीं दे रहा है, अलग अलग व्यक्ति हैं, अलग अलग स्थान हैं, उनको लेकर बोला जा रहा है। जब ऐसे सवाल आएंगे तो बच्चों वहाँ पर आपका NESW नहीं लगेगा, तो उन्हीं क्वेश्चनों में आपको फिगर बनाना पड़ेगा, बाकी सारे क्वेश्चंस आपके बच्चों विदाउट फिगर हो जाएंगे, इस बात को ध्यान देना। अब बच्चों इस पे भी होगा, लेकिन इसमें अभी आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे, उसके लिए किसी और दिन मैं आपको बताऊँगा कि इस पे भी हम कैसे लगाएंगे। ए बी के उत्तर में है बच्चों, ए बी के उत्तर में है, जबकि सी कहाँ है बच्चों, बी के पश्चिम में है। अब कह रहा है सी के संदर्भ में ए की दिशा क्या है, तो सी के संदर्भ में बच्चों अगर ए की दिशा देखोगे तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो ए किधर है, इधर है, तो बच्चों ए हमारा नॉर्थ होता है, हमारा ईस्ट होता है, तो जो ए का जो दिशा है बच्चों वो नॉर्थ ईस्ट है, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों ऐसे कुछ क्वेश्चंस होंगे जहाँ पर बच्चों आपका ए थ्योरम नहीं लग पाएगा, वहाँ पर लगेगा लेकिन उनके कॉन्सेप्ट डिफ़िकल्ट हैं और हमें लगता है कि ए उसके लिए बेहतर ऑप्शन हो जाएगा, इस तरीके से आप कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। अभी बच्चों हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे, कुछ ऐसे ही प्रश्न हम अभी लिए हैं इस टाइप के भी, एक प्रश्न हमारे पास और है इस तरह का, उसके बाद बच्चों एक विस्थापन का भी सवाल है उसको भी लगाएंगे। अब जैसे बच्चों हमारा अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है बच्चों, पोस्ट ऑफिस स्कूल के पूर्व में है, पोस्ट ऑफिस स्कूल के पूर्व में है जबकि मेरा घर स्कूल के दक्षिण में है। पोस्ट ऑफिस बच्चों स्कूल के पूर्व में है जबकि मेरा घर स्कूल के दक्षिण में है। बाजार पोस्ट ऑफिस के उत्तर में उतनी दूरी पर है जितनी दूरी पर मेरा घर स्कूल से है। बाजार मेरे घर से किस दिशा में है? अब जब बच्चों ऐसे सवाल आएंगे तो आपको वहाँ पर NESW नहीं लगाना है, ऐसे क्वेश्चनों में बच्चों आपको फिगर बनाना पड़ेगा, और फिगर भी बहुत डिफ़िकल्ट नहीं कि आपको बहुत दिक्कत हो फिगर बनाने में, बहुत आसान तरीके से जैसे कहा जा रहा है, जैसे बच्चों बोला जा रहा है पोस्ट ऑफिस स्कूल के पूर्व में है, तो ठीक है पोस्ट ऑफिस कहाँ है बच्चों, स्कूल के पूर्व में है, स्कूल को हमने यहाँ बना दिया, स्कूल के पूर्व में क्या हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, जबकि मेरा घर स्कूल के दक्षिण में है। अगर बच्चों स्कूल यहाँ है और मेरा घर इसके दक्षिण में है तो मेरा घर कहाँ होगा बच्चों, इधर हो जाएगा, ये मेरा घर हो गया और ये बच्चों पोस्ट ऑफिस हो गया। अब कह रहा है बाजार पोस्ट ऑफिस के उत्तर में है, तो बच्चों अगर बाजार पोस्ट ऑफिस के उत्तर में है तो पोस्ट ऑफिस तो यहाँ है, तो यहाँ पर बच्चों मार्केट हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, मार्केट हो गया। बाजार पोस्ट ऑफिस के उत्तर दिशा में है जितनी दूरी पर मेरा घर स्कूल से है, और उतनी दूरी पे है जितनी दूरी मेरा घर स्कूल से है, ऐसी बातें बोली जा रही हैं। फिर कह रहा है बच्चों बाजार मेरे घर से किस दिशा में है, मेरा घर तो यहाँ है, मेरे घर से बच्चों बाजार किस दिशा में है, तो अगर मेरे घर से देखा जाएगा तो ईस्ट होगा, ये नॉर्थ होगा, और बच्चों बाजार इधर है, तो आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट। बातें क्लियर है बच्चा, आई होप कि आप सभी को बातें इतनी क्लियर हो गई होंगी कि इसका आंसर नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। सब बच्चों को क्लियर है, आगे बढ़ सकते हैं, चलते हैं बच्चों अपने अगले प्रश्न की तरफ। डायरेक्शन के बहुत अच्छे अच्छे चुनिंदा चुनिंदा प्रश्नों का संग्रह था, आई होप कि बच्चों ये सारे क्वेश्चंस आप अच्छे से क्लियर कर रहे होंगे और आप लगा के देखें क्या ये सारे सवाल लग रहे हैं। तो बच्चों आज का एक अंतिम प्रश्न और करेंगे और इसके बाद इस वीडियो को स्टॉप कर देंगे, क्योंकि लगभग हर तरह के सवाल हम लोग इसमें कवर कर लिए हैं। एक आदमी 8 किलोमीटर पूर्व की ओर तथा 6 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। एक आदमी बच्चों 8 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है, तो इसको तो आप ऐसे लगा सकते हो NESW से। अगर इसे NESW से लगाया जाए बच्चों, तो एक आदमी 8 किलोमीटर पूर्व की ओर, 8 किलोमीटर जाएगा बच्चों पूर्व की ओर, फिर 6 किलोमीटर उत्तर की ओर, 6 किलोमीटर बच्चों उत्तर की ओर, उसके विस्थापन का परिणाम क्या होगा? तो बच्चों यहाँ पर तो आपको कहा था
अब उसका विस्थापन का परिणाम पूछा है कि नॉर्थ ईस्ट तो कटेगा नहीं बच्चों, जब भी ये कंडीशन होगा तो हम वहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, यानी 8 का स्क्वायर + 6 का स्क्वायर करेंगे। 8 का स्क्वायर बच्चों 64, 6 का स्क्वायर 36, दोनों का मिला के वैल्यू 100 और इनका मान 10। हमारा आंसर हो जाएगा 10 मीटर नॉर्थ ईस्ट। ये बच्चों हम लोग का आंसर आ गया। आई होप कि बच्चों आपको हमारा पूरा सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। आज का ये डायरेक्शन का वीडियो ख़त्म हुआ। कैसा लगा, पूरा कॉन्सेप्ट कैसा लगा, क्वेश्चन कैसे लगे बच्चों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगला किस चैप्टर का वीडियो आप चाहते हैं ये भी बताइएगा, क्योंकि बच्चों अब हम लोगों ने लगभग जो है नंबर सिस्टम का वीडियो अपलोड किया, CISI का, प्रॉफिट लॉस का। अगला जो मुझे समझ में आ रहा है बच्चों परसेंटेज समझ में आ रहा है, तो मुझे लगता है कि अगला वीडियो मैं परसेंटेज का लाऊं और परसेंटेज के 2 से 3 वीडियोस लाएंगे। एक वीडियो को नहीं, थोड़ा सा कवर करेंगे पहले वीडियो में, इनके कॉन्सेप्ट को लाएंगे और क्वेश्चंस का लेवल भी बच्चों बहुत बढ़िया बढ़िया लाएंगे। तो अब हम लोग परसेंटेज का अगला वीडियो शूट करेंगे, बहुत जल्दी ही आप लोग के सामने होगा। बच्चों चैनल पे शॉर्ट्स भी अपलोड करते हैं, शॉर्ट्स बहुत काम के हैं आपके, छोटे छोटे शॉर्ट्स हैं लेकिन बच्चों वहाँ पर तरीके बहुत बढ़िया बढ़िया हैं, उसको भी जाके वॉच करो। और बच्चों मार्केट में वैकेंसी आई है CISI की, ज़रूर अप्लाई कर देना। उत्तर प्रदेश पुलिस ऑपरेटर की वैकेंसी आई है, ज़रूर अप्लाई कर देना। SSC CHSL की वैकेंसी आई है बच्चों, ज़रूर अप्लाई कर देना। ये सारी वैकेंसीज आपके लिए बहुत ही बढ़िया है, इनको अप्लाई करोगे और तैयारी करो तो आप बेहतर कर पाओगे। सो थैंक यू बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।